सुरक्षा नहीं आदेश चाहिए, नौकरी की सुरक्षा का संदेश चाहिए और अच्छे दिन आ गए, हमारी नौकरी खा गए। वाह रे वाह, यही है अच्छे दिन। ये इन लोगों के पास में जो स्टिकर है और इन्होंने जो कोट रखा है वो वाला कोर्ट है या नर्सिंग वाला कोर्ट है, वहीं से ही हम जानकारी लेंगे इनके साथ में, जहां युवा हैं और इन्हीं के साथ में कुछ महिला भी हैं जो यहां बड़े पैमाने पे यहां बैठी हैं, अपने इनका से हम अभी जानकारी लेते हैं। बड़ी विनम्रता की बात है कि ये जो लोग, ये जो युवा साथी यहां बैठे हैं, क्या कारण है हम इनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम? शीशपाल सैनी। शीशपाल सैनी जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या कारण है आपके यहाँ बैठने का? जी सर, हम यहाँ पे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए और इमीडिएटली 2 साल के बाद में लास्ट 30 तारीख को जब हम लोग यहाँ ड्यूटी करने आए नाइट में, तो हमारी जो ड्यूटी करने से मना कर दिया गया और ये कहा गया कि आपकी सेवाएँ यहाँ से समाप्त कर दी गई हैं, आप लोग अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद में हम लगातार, आज हमारा 26वां दिन है, हम यहाँ पे जमीन पर बैठे हुए हैं, हमारी ईडीए से बात हो चुकी है, डायरेक्टर से बात हो चुकी है, लेकिन उनकी कमी पंखी की वजह से ये लोग हमारे को दरकिनार कर रहे हैं। तो उनको भगवान सदबुद्धि दे, उनको ज्ञान दे, इस वजह से हम यहाँ पर एक जो यज्ञ है उसका आज हमने आयोजन किया है। और हम निवेदन करते हैं कि हमारे जो 36 जो कैंडिडेट हैं, टर्मिनेटेड कैंडिडेट हैं, उनको वापस लिया जाए और उनको दोबारा से नौकरी दी जाए। जब आपको रखा गया था तो उसके अंदर क्या कंडीशन थी, आपको कितने दिन के लिए रखा गया था? कंडीशन ये थी उसके अंदर 6 मंथ के लिए रखा गया था कि 6 महीने के बाद में हम आपका रिन्यूअल कर देंगे, उसके अंदर लिखा हुआ था। और जब तक यहाँ पे पोस्ट खाली रहेंगी तब तक हम आपके हॉस्पिटल में रखेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस बात को कि सीटें खाली हैं, 200 मरीज परेशान हो रहे हैं, परमानेंट लोग बाहर हैं। आप लोग 8 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ पे आइए, पूरे लेडी हार्डिंग जो 100 साल होगी इस हॉस्पिटल को चलते हुए, और पूरे हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स नहीं मिलेगी आपको। मरीज त्राही त्राही कर रहे हैं, डायरेक्टर ऑफिस का घेराव किया गया था परसों के दिन, लेकिन फिर भी माननीय निदेशक महोदय इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी हठधर्मिता की वजह से इन सब लोगों को यहाँ पे रोड पर आना के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम सब लोग यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं, परमानेंट जो लोग लगे हुए हैं वो भी रोड पर हैं, वो इस वजह से कि हमारे को स्टाफ चाहिए, यहाँ पे स्टाफ नहीं है। और माननीय निदेशक महोदय कहते हैं कि यहाँ स्टाफ ओवर है। अभी तो निदेशक महोदय तो जाते नहीं है हॉस्पिटल में, क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि अगर स्टाफ ओवर है तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल में 8 बजे से 11 बजे के बीच में आप वार्डों को जाकर देखिए, अगर एक भी नर्स आपको मिल जाए तो हम हमारी यहाँ से जो धरना है वो बंद करके अपने अपने घर चले जाएंगे।